We started with inductive effect. Inductive effect is permanent displacement of the electrons along the carbon chain. ठीक है, आपके पास एक carbon chain है, उसके साथ अगर कोई groups जो हैं वो attach हो जाते हैं, तो वो groups जो हैं, वो दो तरह के effects show करते हैं, either plus I effect और minus I effect. ठीक है, plus I वाले कौन से हैं? पहले माइनस आई वाले, कल मैंने माइनस आई वाले बताए थे. माइनस आई वाले दे आर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप. ऐसे ग्रुप्स लगे हुए हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को विथड्रॉ करेंगे. ओके, सपोज हियर द हैलोजन्स दे आर अटैच, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो नाइट्रो ग्रुप है. ओके, एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है. दे ऑल आर शोइंग द माइनस आई इफेक्ट. जहां पर ये क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं चेन के वो सारे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे, खींच लेंगे. ओके, सो ड्यू टू विच देयर विल बी पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर्स दे विल बी फॉर्म. ठीक है, तो ये पार्शियल चार्ज जो है वो आने शुरू हो जाएंगे. देयर विल बी चार्ज सेपरेशन और ये परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होती है. दिस इज नॉट टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट, दिस इज परमानेंट डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्चुअली अपनी पोजिशन छोड़ के शिफ्ट करते हैं. ओके, इज दिस क्लियर? एंड कमिंग टू द प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट में क्या होगा? अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाए हैं तो यहाँ पर कौन से ग्रुप्स होंगे? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जो क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेंगे, देंगे. ठीक है, इसमें से कौन कौन से ग्रुप्स आ जाते हैं? जैसे मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप. ठीक है, मिथाइल ग्रुप हो गया, इथाइल ग्रुप हो गया. अब देखो, ठीक है, दो तीन चार पांच, नहीं दो तीन चार. ठीक है जी, ऐसे ग्रुप्स अटैच हैं. एक मिथाइल ग्रुप है यहाँ पर, दिस इज इथाइल ग्रुप. इसमें आपके पास दो मिथाइल ग्रुप हो गए हैं अटैच, इसमें आपके पास तीन मिथाइल ग्रुप्स हो गए हैं. यानी कि जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स होंगे, मोर आर द एल्काइल ग्रुप्स, मोर दे विल बी हैविंग द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी. वो उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, रिलीज करेंगे. कौन से ग्रुप्स? एल्काइल ग्रुप्स. ठीक है, जितने ज्यादा चेन के साथ एल्काइल ग्रुप्स लगे होंगे, वो उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या करेंगे, डोनेट करेंगे, रिलीज करेंगे. ओके, एंड दिस विल बी द प्लस आई इफेक्ट. एक माइनस आई इफेक्ट और एक प्लस आई इफेक्ट. ठीक है, प्लस आई इफेक्ट इज शोन बाय द एल्काइल ग्रुप्स एंड माइनस आई इफेक्ट जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो नाइट्रो. ठीक है, नाइट्रो ग्रुप हो गया, एसिड्स हो गए, दे ऑल आर माइनस आई इफेक्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट राइट डाउन एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट. एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, कहां पर यूज होता है ये इफेक्ट? और मैंने आपको कल भी बताया था कि जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ती जाएगी, जो इंडक्टिव इफेक्ट का मैग्नीट्यूड है वो कम होता जाएगा. ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, इट इज यूज टू टेल द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स. इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो हम कहां पर यूज करते हैं? जहां पर हमने एसिड्स की स्ट्रेंथ बतानी है. अगर यहाँ पर R ग्रुप की बजाय मैं कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज ऐड कर देती, नाउ हेयर इज F, F विल शो इट्स माइनस आई इफेक्ट.
ठीक है जी, एफ कौन सा इफेक्ट शो करेगा? माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। तो ये क्या करेगा, ये इस चेन के सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। एसिड्स, जब आप एसिड्स की डेफिनेशन कहते हो तो आप ये कहते हो कि जो एच पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं हम उनको एसिड्स कहते हैं। दोज विच रिलीजेस एच पॉजिटिव आयंस, दे आर कॉल्ड एज एसिड्स। अब देखो, अगर यहाँ पर मैंने फ्लोरो ग्रुप अटैच किया है, इसने ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लिए, ठीक है। अब ऑक्सीजन के भी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उसने खींच लिए अपनी तरफ। ऑक्सीजन कहता है मैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हूँ, मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे आ सकता है? यही कहेगा ना, जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चीज है वो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो बियर नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन क्या कहेगा कि मैं पॉजिटिव चार्ज नहीं बियर करूंगा, ओके। सो व्हाट इट विल डू, इट विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द हाइड्रोजन टुवर्ड्स इटसेल्फ और ये हाइड्रोजन को बाहर निकाल दे। जब चेन में से इलेक्ट्रॉन खींचे गए हैं, कार्बन से भी खींचे गए हैं, ऑक्सीजन से भी खींचे गए हैं, बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, दैट विल नॉट बी बेयर बाय दैट इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, वो पॉजिटिव चार्ज नहीं बेयर करेगी। तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन और जो उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी तरफ खींच लेगा इन ऑर्डर टू कंपेंसेट दैट पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोजन को बाहर निकाल दे। अब हाइड्रोजन इजीली रिलीज हो गया, हाइड्रोजन इजीली रिलीज हो गया ना ड्यू टू दिस माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। सो दैट्स व्हाई द इंडक्टिव इफेक्ट, इट टेल्स अबाउट द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड। अगर मैंने एक सिंपल एसिड लगाया हुआ है यहाँ पर और अगर मैंने एक फ्लोरो ग्रुप वाला लगाया हुआ है, तो किसमें से जल्दी जो है वो हाइड्रोजन रिलीज होगा? इसमें से होगा, क्योंकि ये जो है इट इज शोइंग प्लस आई इफेक्ट, इसने इलेक्ट्रॉन्स देने हैं, उल्टा देगा तो ऑक्सीजन को कोई नीड नहीं है कि वो हाइड्रोजन के साथ अपना बॉन्ड ब्रेक करे। बट यहाँ पर फ्लोरो ग्रुप जो है वो आके उस चीज को स्टिमुलेट कर रहा है, एक फोर्स है कि वो हाइड्रोजन को जल्दी बाहर निकालेगा और उतनी ही जल्दी जो है वो एसिड फॉर्म हो, ओके, उतनी जल्दी जो है वो आयन फॉर्म होगा, RCOO नेगेटिव आयन विल बी फॉर्म। एंड इज दिस थिंग क्लियर कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट राइट डाउन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस, एसिड्स के साथ साथ बेसिस की भी अब स्ट्रेंथ बताएंगे हम। बेसिस कौन होते हैं? हाँ जी, व्हाट आर बेसिस? वैभव आपने नहीं पढ़ना, आप जा सकते हो बाहर। ओके, जिनमें OH नेगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है। बट अब थोड़ा सा और इस थ्योरी को करो, एडवांस में चलो, केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर आपने किया हुआ है। बेसिस कौन से होते हैं? बेसिस ऐसी चीजें होती हैं डैट कैन डोनेट दी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, याद रखना। अब ये लेटेस्ट डेफिनेशन, बेसिस आर दो सब्सटेंसेस डैट कैन एक्चुअली डोनेट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब मेरे पास दो चीजें हैं, एक NH3 है विद वन लोन पेयर, एंड हेयर इज वन सब्स्टिट्यूटेड, ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। नो, दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज प्राइमरी, इनमें से कौन ज्यादा बेस होगा? विच इज हैविंग मोर बेसिक कैरेक्टर? Which is having more basic character? Anyone? CH3 का कौन सा इफेक्ट पढ़ के आए हैं अभी हम? CH3 का कौन सा इफेक्ट पढ़ के आए हैं? प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट क्या कहता है? किसने इलेक्ट्रॉन जो है वो देने हैं। हाइड्रोजन वाले का कोई इफेक्ट है? नहीं है। अब
स्ट्रॉन्गर बेस देखना है। बेस ऐसी चीज है जो डोनेट करेगी, डोनेट करने के लिए पहले उसके पास अपने पास तो होने चाहिए, तभी डोनेट करेगा। अगर एक्स्ट्रा है तभी डोनेशन होगी। अब ये सी एच थ्री ग्रुप जो है वो उसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहा है बाय इट्स प्लस आई इफेक्ट। तो हेयर द नाइट्रोजन इज हैविंग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स विच इट कैन डोनेट वेरी वेरी इजीली एज कम्पेयर टू अमोनिया। ठीक है, तो ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा है फिर? द सेकेंड वन। ओके, सो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो इथाइल अमीन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया। ओके, नेक्स्ट राइट डाउन। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, नेक्स्ट राइट डाउन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। Now this is the second effect after inductive effect. Electromeric effect, यहां पर भी आपके पास दो effects चलेंगे, plus E effect and minus E effect. Okay? So write down. It is a temporary effect. It is a temporary effect which operates in multiple bond. Now this is the thing ki effect jo hai ye sirf kisme operate hoga? Multiple bonds mein. Aur ye kya hai? Temporary hai. This is not permanent. This is a temporary effect which operates in multiple bonds under the influence of an attacking species, under the influence of an attacking species as a result the pi electron pair of the multiple bond gets completely transferred to its one of the bonded atom. अब डेफिनेशन ध्यान से सुनो। डेफिनेशन में कहते हैं कि सबसे पहले ये कौन सा इफेक्ट है? टेम्पररी इफेक्ट है। ये तब तक रहेगा जब तक अटैकिंग स्पीशीज है। जैसे ही अटैकिंग स्पीशीज रिमूव किया आपने, वो जो पाई बॉन्ड है दोबारा अपनी स्टेबल पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, सेकेंडली ये इफेक्ट ऑपरेट कब होता है? व्हेन एवर देयर इज वन ऑफ द अटैकिंग स्पीशीज, कोई चीज बाहर से आके अटैक कर रही है। आइदर इट कैन बी बेयरिंग अ पॉजिटिव चार्ज और आइदर इट कैन बी बेयरिंग अ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, थर्ड कंडीशन ये है कि ये मल्टीपल बॉन्ड्स में होता है। You must be having double or triple bond for electromeric effect. ठीक है, अब होगा क्या इस इफेक्ट में? ये जो पाई बॉन्ड है ये कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाता है इनमें से किसी एटम के पास। यू हैव रिटन द लास्ट लाइन इन विच द पाई इलेक्ट्रॉन दे आर कंप्लीटली ट्रांसफर्ड टू वन ऑफ द बॉन्डेड एटम। ठीक है, अब ये इफेक्ट दो तरह से चलता है। द फर्स्ट इज प्लस ई इफेक्ट एंड द सेकेंड इज माइनस ई इफेक्ट। प्लस ई इफेक्ट कब होता है? जब पाई बॉन्ड ट्रांसफर हुआ जिस बॉन्डेड एटम के पास, उसी बॉन्डेड एटम के साथ जो है वो आपका अटैकिंग रिएजेंट अटैच होता है। पाई बॉन्ड आपने ट्रांसफर करना है, देखो पाई बॉन्ड है, दो कार्बन्स हैं, इनमें से किसी के पास तो जाएगा ही जाएगा। सपोज इसके पास मैंने ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अब जिसके पास मैंने ट्रांसफर किया है, जो अटैकिंग स्पीशीज है वो भी अगर उसके साथ ही अटैच होगी, तो ये कौन सा इफेक्ट है? प्लस ई इफेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बनेगा? CH3CH, ये डबल बॉन्ड तो यहाँ पे शिफ्ट हो गया और इसके साथ ये CH लग जाएगा, तो दिस विल बी CH3। ठीक है,
हाँ जी क्लियर है। अब डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर दिया मैंने, डबल बॉन्ड मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो ये हाइड्रोजन के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इजीली इसके पास अकोमोडेट हो सकता है। अब आप देख सकते हो जो सेंटर वाला कार्बन है 1 2 3, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, टेट्रावेलेंट है, ये चार बॉन्ड कर सकता है, तो डेट मीन्स अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, इट विल बी बेयरिंग अ पॉजिटिव चार्ज, दिस इज प्लस ई इफेक्ट। इज दिस क्लियर? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है वो टेम्पररी इफेक्ट है, तभी ऑपरेट होगा जब अटैकिंग स्पीशीज आएगी, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड्स में होता है ये, दिस इफेक्ट इट अकर्स इन द मल्टीपल बॉन्ड वेयर द पाई इलेक्ट्रॉन्स दे आर ट्रांसफर टू वन ऑफ द बॉन्डेड एटम। अगर इलेक्ट्रॉन्स जिस तरफ ट्रांसफर हुए हैं उसी के साथ जो एटम है वो अटैच हुआ है, तो दैट इज प्लस ई इफेक्ट। प्लस ई से आपने याद रखना है कि यहाँ पर हमेशा ऐसी चीज अटैच होगी जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। माइनस ई से आपने याद रखना है कि अटैकिंग रिएजेंट हमेशा ऐसा होगा जिसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अब इलेक्ट्रॉन्स मैंने इस तरफ ट्रांसफर किए हैं, बट ये अटैकिंग स्पीशीज किस तरफ अटैक करेगी, इस तरफ। क्यों? क्योंकि जब मैंने कार्बोनियल के जो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए हैं, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव, बट इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इजीली इस कार्बन को दे सकता है, तो इसीलिए ये सी एन नेगेटिव साइनाइड जो है वो यहाँ पर आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। सो क्या बन जाएगा, यू विल गेट सी एच थ्री सी एच, यहाँ पर साइनाइड ग्रुप आ जाएगा और यहाँ पर ओ के साथ नेगेटिव। इज दिस क्लियर? हाँ जी क्लियर है। प्लस ई एन माइनस ई इफेक्ट, कोई डाउट है इसमें पूछ लो, अगर आपको कोई लाइन या कोई पॉइंट नहीं समझ आया। इंडक्टिव इफेक्ट में मल्टीपल बॉन्ड्स का होना जरूरी नहीं है, बट इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट में मल्टीपल बॉन्ड्स का होना जरूरी है, ठीक है, ये तभी ऑपरेट होगा व्हेन द पाई बॉन्ड्स दे आर ट्रांसफर्ड। एक्चुअली जैसे ही मैंने ये हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा लगा हुआ है, अगेन ये सेम वाला कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इफेक्ट इट विल ऑपरेट एज लॉन्ग एज देयर इज द अटैकिंग रिएजेंट, जैसे ही आपने अटैकिंग रिएजेंट रिमूव कर दिया वो अगेन अपनी पहले वाली स्टेट पे आ जाएगा। हाँ जी क्लियर है? एनी डाउट? ठीक है, प्लस ई एन माइनस ई इफेक्ट समझ आ गए हैं। यहाँ पर जो अटैकिंग रिएजेंट है वो उसी कार्बन एटम के साथ अटैच हुआ है जिसपे इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हुए हैं, यहाँ पर जो अटैकिंग रिएजेंट है वो दूसरे वाले कार्बन के साथ अटैच हुआ है, ओके, जिसको इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिले हैं। नेक्स्ट राइट डाउन द थर्ड इफेक्ट इज रेजोनेंस, राइट डाउन द थर्ड इफेक्ट दैट इज रेजोनेंस। अब ये आपका एक्चुअली केमिकल बॉन्डिंग में भी था, ठीक है, बट हमने वो वहां पर स्टडी नहीं किया है, सो हेयर वी विल बी स्टडिंग द रेजोनेंस हेयर, ठीक है। अब रेजोनेंस में क्या होता है, सी इफ यू आर हैविंग अ सर्टेन केमिकल फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड, कोई एक कंपाउंड है उसको आप डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ बेंजीन, बेंजीन रिंग को मैं ऐसे भी शो कर सकती हूँ, जहां पर अब सिंगल बॉन्ड है मैं वहां पर भी शो कर सकती हूँ, यहां बेंजीन रिंग को मैं ऐसे भी शो कर सकती, ठीक है। एक स्ट्रक्चर था तो एक ही स्ट्रक्चर बेंजीन रिंग थी C6H6, बट उसको रिप्रेजेंट करने के वेज देखो, मैं उसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज द फिनोमिना ऑफ रेजोनेंस,
रेजोनेंस में हम क्या कहते हैं, इफ वी आर हैविंग अ सर्टेन कंपाउंड एंड वी कैन शो इट इन अ नंबर ऑफ वेज, हम उसको नंबर ऑफ फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो हमने उसका क्या ले लेना है, वी विल बी टेकिंग अ हाइब्रिड ऑफ दैट स्ट्रक्चर। ठीक है, हम इसमें से सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर सेलेक्ट करेंगे जो उस फॉर्मूला को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। वी विल बी सेलेक्टिंग अ वेरी स्टेबल स्ट्रक्चर दैट वी विल यूज इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द स्ट्रक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है वैसे, आप बायो के स्टूडेंट्स हो, बायो के स्टूडेंट्स हो, आपको हाइब्रिड टर्म का मतलब समझ आना चाहिए। क्या होता है हाइब्रिड? मिक्सचर्स ऑफ समथिंग, है ना, कोई ट्रेड्स हैं, दो या दो चीजों के ट्रेड्स जो हैं वो मिक्स कर दिए हैं आपने। ठीक है, तो वो उनका मिक्सचर है। सेम है यहाँ पर भी, कह रहे हैं कि अगर आप किसी स्ट्रक्चर को, किसी कंपाउंड को चार फॉर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो, तो जो इसका हाइब्रिड बनेगा वो इन चारों फॉर्म्स को कंबाइन करके स्टेबल फॉर्म जो उसमें से निकलेगी हम वो लेंगे। समझ रहे हो? ठीक है, इन सारे स्ट्रक्चर्स को जब आप कंबाइन कर दोगे और उसमें से जो मोस्ट स्टेबल आपके पास स्ट्रक्चर आएगा, दैट इज एक्चुअली द हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस। ठीक है जी, इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस। ओके, अब लिखो, राइट डाउन, रेजोनेंस इन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, रेजोनेंस इन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये रेजोनेंस का फिनोमिना हम एक्सप्लेन करेंगे इन केस ऑफ एसिड्स। अगेन, जैसे हमने इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे एक्सप्लेन किया है कि जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो कैसे एसिडिक हैं, वैसे ही हम रेजोनेंस के फिनोमिनास के अकॉर्डिंग भी एक्सप्लेन करेंगे। ओके, यही है एसिड का फॉर्मूला जनरल। टेंथ बी का, अच्छा एक्स्ट्रा क्लास इंटरव्यू, प्योर तर्स खाओ मेरे से। किसने लगाया, परमजीत मैम? सो दिस इज अ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अब रेजोनेंस का फिनोमिना हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है इसमें से ये जो ऑक्सीजन है वो कहता है मेरे को आपके साथ कोई शेयरिंग नहीं करनी है कार्बन। ठीक है, मैं अपना शेयर्ड पेयर अपने पास ले रहा हूँ। लड़ गए वो, ठीक है, लड़ाई हो गई उनके बीच में, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। तो ऑक्सीजन कह रहा है मैंने कोई शेयरिंग नहीं करनी है तुम्हारे साथ, मेरे जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं मुझे वापस करो। ठीक है, अब कार्बन के साथ कौन लगा हुआ है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। ऑक्सीजन कहता कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दे देता हूँ। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली द केस ऑफ द रेजोनेंस, जहां पर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। अब क्या होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो तो बियर नहीं करेगा, तो वो क्या करेगा फिर, हाइड्रोजन से लेगा। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड पेयर है वो टूट जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो आपका एसिड है दैट विल बी फॉर्म वेरी वेरी इजीली। तो दिस इज द फिनोमिना ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, जैसे हमने इंडक्टिव इफेक्ट एक्सप्लेन किया है वैसे ही यहाँ पर क्या है, रेजोनेंस का फिनोमिना। और रेजोनेंस में कुछ भी नहीं है, देयर इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड को आप शिफ्ट करते हो। ठीक है, हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको शिफ्ट करते हैं। हैव यू एवर वंडर कि मैंने ये दो स्ट्रक्चर्स जो हैं वो कैसे बनाए होंगे, ये वाला बॉन्ड जब यहाँ पे शिफ्ट हुआ होगा तो ये स्ट्रक्चर बना होगा, ये वाला बॉन्ड जब यहाँ पर शिफ्ट हुआ होगा तो ये स्ट्रक्चर बना होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हुआ है तो ये स्ट्रक्चर बना। तो देयर इज नथिंग बट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हम इलेक्ट्रॉन्स को मूव कर रहे हैं
और एक दूसरे में क्या कर रहे हैं, इंटर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमने वही किया, इसके इलेक्ट्रॉन्स उसको दे दिए हैं, उसके इलेक्ट्रॉन्स उसको दे दिए हैं और स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट राइट डाउन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, रेजोनेंस शो करो कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या स्ट्रक्चर होता है, ये होता है इनमें सारे पहले ऑक्सीजन के लोन पेयर्स लिखिए, राइट डाउन द लोन पेयर्स ऑन ईच एंड एवरी ऑक्सीजन एटम। इसके कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसने इसको दे देना है, इसने इसको, ठीक है, ये एक कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर आएगा यहाँ से। और हमेशा हम जो हाइब्रिड्स ड्रॉ करते हैं उनको डबल एरो के साथ ड्रॉ करते हैं। डबल एरो का मतलब क्या है कि ये सारे इक्वल हैं स्ट्रक्चर्स, ठीक है, दे ऑल आर इक्वल। अब मैंने जो आपका हाइब्रिड लिखा है, देखो सी हेयर, ये जो बेंजीन रिंग है इनमें सब में डबल बॉन्ड घूम रहे हैं, किसी कार्बन के साथ भी मैं डबल बॉन्ड ऐड कर सकती हूँ ना, अटैच कर सकती हूँ। तो हम जो हाइब्रिड है उसका ऐसे लिखते हैं कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये सब पे है इक्वली। हम ये नहीं कहते हैं कि इन इन कार्बन्स के ऊपर है, इन कार्बन्स के ऊपर है, नो, दैट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ऑल ऑफ द कार्बन एटम्स। क्योंकि फर्स्ट स्ट्रक्चर में हमने ये वाले कार्बन एटम्स इन्वॉल्व किए हैं, सेकेंड स्ट्रक्चर में हम ये वाले कार्बन एटम्स इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो डैट मीन्स कि जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इक्वली सारे कार्बन एटम्स के ऊपर है। So this is actually the hybrid structure. ये कैसा स्ट्रक्चर है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब इसके बनाओ, इसका एक स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ कर लेना है यहाँ पे, सिमिलरली जैसे ये वाला दिया है सिमिलरली इसने भी जब देना है तो दूसरे स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, करो दो स्ट्रक्चर ड्रॉ ऑल द स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। हाँ जी बेटा बनाओ, तीन स्ट्रक्चर्स बनने हैं आपके। एक तो जो मैंने अभी आपको बताया है वो स्ट्रक्चर हो जाएगा, जब आप इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शिफ्ट करोगे 1 2 3 4, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा और इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही होगा ना। या दूसरा स्ट्रक्चर कैसे बन सकता है, अगर मैं ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट कर दूं और ये वाला बॉन्ड इसको दे दूं, ऐसे भी बन सकता है ना, क्योंकि दोनों जो है वो सेम है ऑक्सीजन, ओके, तो इन दिस वे इट विल बी गेटिंग पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा चार्ज आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड, देखिए हेयर द ट्रिपल बॉन्ड विल बी एस्टैब्लिश्ड एंड हेयर will be having negative. So these are the three resonating structures in case of carbon dioxide. और किसी चीज के जितने ज्यादा resonating structures बनेंगे वो उतनी ज्यादा stable है. More are the resonating structures, more is the stability. तो आपको जब आप प्लस टू में जाओगे तो ये भी questions आते हैं based on the resonance. ठीक है, कि इसके तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उसके कंपैरेटिव में और उसके दो हैं तो इसीलिए जो तीन वाला स्ट्रक्चर है वो ज्यादा स्टेबल है, ओके, सो मोर आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, मोर इज द स्टेबिलिटी। नाउ नेक्स्ट राइट डाउन, ब्यूटा 1,3-डाइईन, तीन लोन पेयर्स क्यों आएंगे, वो नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर होता है कि अगर उसके पास वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो खाली था, बट ये तो उसने लिया है ना,
किसी और से आया तो वो डेट विल बी नेगेटिव चार्ज, डेट विल नॉट बी अ लोन पेयर. ठीक है, ड्रॉ ब्यूटा 1,3-diene, ब्यूट 1,3-diene बनाओ. हाँ जी बनाया बेटा. अभी थोड़ा सा ये पढ़ा है तो कल कंटिन्यू करेंगे.